महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों बीजेपी सरकार के भाई हैं। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% रही, हालांकि यूरोप में महंगाई दर 8.9% के स्तर पर है। हम आपको दिखाते हैं कि यूरोप किस तरह महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। एस्टोनिया में महंगाई दर 23%, पोलैंड में महंगाई दर 18%, जर्मनी में बिजली की कीमतें 80,000 रुपए प्रति मेगावाट, फ्रांस में बिजली की कीमतें 87,000 रुपए प्रति मेगावाट। ये यूरोप में महंगाई का सारांश है। पैसा ढीला बन चुका है और सामान के दाम आसमान तक पहुंच चुके हैं। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम लोग परेशान हैं। स्थिति ये है कि कई देशों में सरकार सस्ते दामों वाले स्टोर्स खोल रही है। यूरोप में महंगाई की दर पिछले 11 साल के रिकॉर्ड 8.9% के स्तर पर है। यूरो जोन में शामिल इन देशों के आंकड़ों में 19 देशों में ये हालात हैं। बाकी देशों में महंगाई की दर और भी ज्यादा है। एस्टोनिया में कई जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है। इससे सरकारें घबराई हुई हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के चुनावों में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पोलैंड में महंगाई की दर पिछले 2 दशकों के दौरान रिकॉर्ड 18% हो गई है। पोलैंड में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी आए हैं। इन लोगों ने राजधानी वॉर्सो में पनाह ली हुई है। यूरोपीय कमीशन ने अगस्त में जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यूरोप में 30 साल तक की उम्र के 58% युवाओं में बढ़ती महंगाई और रोजगार के अवसरों में कमी से असंतोष बढ़ रहा है। पूर्वी यूरोप के कम विकसित देशों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों में भी युवाओं में गुस्सा है। कोरोना काल के बाद हालात और खराब हो गए हैं।